शिवा और रामू बहुत चिंतित थे और अपनी गाड़ी को तेजी से चला रहे थे, ऐसे मानो कि कोई उनका पीछा कर रहा हो। चलो चलो जल्दी चलो, हमें कोई पकड़ ना ले। फिर वो गाड़ी एक घर के सामने जाकर रुकी और दोनों उस घर के अंदर चले गए। भगवान का शुक्र है शिवा कि हम पुलिस के हाथों से बच गए। हमने बहुत चोरियां की है पर किसी को हिम्मत नहीं कि हमें पकड़े, पर हम इस चोरी में असफल रहे। हमें जंगल में जाना चाहिए था और लाल चंदन लकड़ी लाना चाहिए था कुछ भी करके। हमें लगा था छोटी मोटी चोरी करके क्या होगा, इसलिए हम चंदन लकड़ी चोरी करने के लिए गए। वो आदिवासी लोगों ने हमें रोकने की कोशिश की और बिना मतलब से उनकी जान चली गई। अगर वो हमें नहीं रोकते हम शायद लाल चंदन लकड़ी भी ला पाते। हाँ रवि, चलो हम वहाँ कुछ दिनों के बाद फिर से जाएंगे और लाल चंदन लकड़ी लेकर आएंगे। वैसे भी पुलिस हमारे ऊपर नजर रखी है। एक महीने के बाद दोनों गए नीलगिरी जंगल कार से। फिर उन दोनों में बात होने लगी। चाहे कोई भी हमें रोक ले, इस बार हम लाल चंदन लकड़ी लाना नहीं भूलेंगे। एक चोरी से हमारी जिंदगी बन जाएगी। हाँ रामू, ये चोरी हमसे छूटनी नहीं चाहिए। उस वक्त काफी रात हो चुकी थी जब वो जंगल पहुँचे। चारों तरफ अंधेरा था। शिवा और रामू गाड़ी से कुल्हाड़ी लेके उतरे। हमें लाल चंदन लकड़ी काटकर अपने साथ ले जाना होगा आज। ये कहकर दोनों आगे बढ़े और जंगल के अंदर घुस गए। उनके पीछे जो गाड़ी थी उससे कुछ आवाजें आ रही थी। ये सुनकर वो डर गए और गाड़ी के पास आ गए। अचानक से कार खुद ब खुद स्टार्ट हो गई। गाड़ी किसने चालू की? गाड़ी के अंदर तो कोई नहीं है। फिर उन्होंने गाड़ी की इंजन को बंद की और आगे बढ़े। एक पेड़ के पास जाकर वो उसे काटने लगे। उस पेड़ से रोने की आवाज आने लगी। शिवा और रामू काफी डर गए। शिवा, ये आवाज कैसी है? मुझे बहुत डर लग रहा है, चलो चलते हैं। अरे कुछ नहीं रामू, कुछ नहीं होगा, चलो जल्दी से इसे काट कर चलो चलते हैं यहाँ से। ये कहकर वो जल्दी जल्दी पेड़ काटने लगे। फिर पेड़ से खून आना शुरू हो गया जहाँ वो काट रहे थे। खून को देखकर दोनों काफी डर गए। रामू, कुछ तो गड़बड़ है, अच्छा होगा अगर हम तुरंत यहाँ से भाग निकले। जल्दी जल्दी वो अपने कार के तरफ गए और उसे स्टार्ट करने की कोशिश करने लगे, पर उनकी गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही थी काफी कोशिश के बाद भी। दोनों डर के मारे पसीने पसीने हो गए। कुछ देर के बाद गाड़ी स्टार्ट हुई। जल्दी चलो शिवा, भागो यहाँ से। जब वो पलट कर देखे लगा कि कोई उनका पीछा कर रहा है, पर उन्हें समझ नहीं आया कि कौन है। रामू जो काफी डर गया था गाड़ी चला रहा था काफी स्पीड से। कुछ देर के बाद पीछे कोई भी नहीं है उनके, ऐसा रामू ने कहा। कौन हमारा पीछा कर रहा था? इस बीच तीन शैतान उनके कार के आगे के शीशे में उल्टा लटक गए। उन शैतानों को देखकर रामू ने जोर से ब्रेक लगाई और दोनों वहां से भागने की कोशिश करने लगे, पर वो शैतान छोड़ने वाले नहीं थे। इस बीच शैतानों के जीभ लंबे हो गए और उन्हें लपेट के हवा में लटका दिए। कौन हो तुम? क्यों हमें मारना चाहते हो? हम इस जंगल पर ही निर्भर हैं और काफी लंबे वक्त से इसकी रक्षा कर रहे हैं। तुम लोगों ने हमें निर्दयता से मार दिया। तुम जैसे लोगों को छोड़ दिया फिर इस दुनिया में एक भी पेड़ नहीं बचेगा। तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे हम। आज के बाद से जंगल को कोई खत्म करने भी नहीं आएगा। अगर कोई आया तो उन्हें भी यही सजा मिलेगी। शैतान ने उनके गर्दन को दबोच लिया और उन्हें मार दिया।